हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द ब्लॉग, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम लोग जा रहे हैं मौसी जी को लेने के लिए, मैं और चाचू। कितने किलोमीटर है हम जहाँ जा रहे हैं वो? यहाँ से करीबन 21 किलोमीटर है, 21 किलोमीटर दूर है। मौसी जी को लेने जाना है तो हम दोनों निकल गए, उसके बाद जाएंगे गाड़ी को वॉश कराने के लिए। तो अब मैं रेस्ट करूंगा और अभी चाचू गाड़ी चला रहे हैं। चाचू पहली बार मेरे विंडो में बैठे हैं, कैसा लग रहा है चाचा? बहुत बढ़िया लग रहा है। अब मैं आराम करने वाला हूं, चाचा चलाएंगे, मौसी को लेके सीधा वापस, फिर जाएंगे कार वॉश कराने के लिए, क्योंकि कल से इवेंट स्टार्ट, कल से मेन इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। आज मेहंदी है, कल हल्दी है, फिर लड़कों वाले के वहाँ पर भी जाना है, फिर रात को डांस पार्टी है, संगीत है, गरबा वगैरह करेंगे, और नेक्स्ट डे शादी, वो भी रात को 2 बजे। लोग सुबह तक टाइम जाने वाला है, पूरी रात शादी चलने वाली है। गाने बहुत खतरनाक बज रहे हैं, लेकिन अभी वीडियो स्टार्ट किया तो सुन नहीं सकते, सोने वाले गाने बज रहे हैं। चाचा की वजह से ऐसे गाने बजा रहे हैं, बजाने पड़ रहे हैं। आ गए हैं कोठम्बा, मौसी के गांव में, छोटा सा गांव है। रेड रेड दरवाजा करते हैं यहाँ पे, लाल लाल दरवाजे। ये है हमारे मौसी, जय श्री कृष्ण। इनको लेने के लिए आना पड़ा हमें, रेडी छो? सब रेडी, जा रहे हैं मैरिज में, इनको लेने के लिए आ रहे। सामान सब आ गया, मौसी आ गई है, मौसी जी को भी ले लिया साथ में, जो चाय भाई पिला दी मौसी। चलो ये देखो, तब निकलते हैं बालासन में जाने के लिए। तो धीरे धीरे करके एक के बाद एक धीरे धीरे करके गेस्ट ऐड होते जा रहे हैं, बहुत ही गेस्ट बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और कल जाना है हमें लड़के वालों के वहाँ पे शगुन लेकर, तो 3-4 गाड़ियाँ लेके जाएंगे, सारी कार वॉश हो चुकी है, अपनी एक गाड़ी है जो बाकी है, जो मौसी को लेने गए थे इसके लिए बाकी रहेगी ये, तो इसको लेके जा रहे हैं हम वॉश कराने के लिए, क्योंकि कल हमें जाना है लड़के वालों के वहाँ। चलो चलते वॉश कराते हैं। इसको अभी से डांस आया, बहुत डांस आया, डीजे आने का बाकी है। ये देखिए इन्होंने अपनी गाड़ी को कितना गंदा किया हुआ है, बहुत साफ है, बिल्कुल भी साफ ही नहीं करवाया इनकी गाड़ी को। तो अब ये अपनी गाड़ी जो है वो साफ करवाने जा रहे हैं, वॉशिंग वॉशिंग कराएंगे, फिर चमकाएंगे अपनी गाड़ी। पूरी गाड़ी कितनी गंदी करी हुई है, देखिए क्या बात कर रहे हो, देखिए बिल्कुल भी गाड़ी को साफ नहीं किया। ये पीछे वाला कांच देखिए आप, कितना गंदा हो रहा है, पीछे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। मेरे पास अभी कैश बिल्कुल भी नहीं है, कैश खत्म हो गई है, इसलिए जा रहा है एटीएम कैश निकालने के लिए। क्या सही जगह पे आया गाड़ी क्लीन कराने के लिए, जंगल में देखो लगा का मस्त बैठ गए, आराम कर रहे हो, बैठते हैं यहाँ पे मस्त मजे से, यहाँ पे रोड है, यहाँ पे खेत है, यहाँ पे कार क्लीन हो रही है, और यहाँ पे गाइस गाड़ी निकल रही है वॉशिंग के लिए। Oh, 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 oh,
लगता है साफ हो गई अच्छे से, अंदर से बाहर से एकदम परफेक्ट। बहुत टाइम लगा लिया इन लोगों ने। तबियत के पीछे सारी छे ने आराम करो तेरे शांत के फरवा जाऊ छे कई खाऊ छे सार सार आराम करो तेरे सबसे बड़ी नानी बड़ी नानी। Hey guys, thank you so much for watching this video. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो अभी मैं व्लॉग को करता हूँ एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।